मेरा नाम मिलन सोनी है और मैं अहमदाबाद से आया हूँ, गुजरात से। मेरा हैंडीक्राफ्ट का मीनाकारी आइटम, ऑक्सोलेस आइटम और एम्ब्रॉयडरी वर्क का मैन्युफैक्चरिंग है अहमदाबाद में ही। और हम ये सब मीनाकारी और इसमें काफ़ी सारे वैरायटी भी हम बनाते हैं, जो घर में डेकोरेशन के हिसाब से यूज़ होती है, पहनने के लिए यूज़ होती है और ट्रेडिशनल लुक के हिसाब से जो यूज़ हो रही है। और काफ़ी सारी जो आइटम जो है, जो उसमें भी कुछ नई नई इनोवेटिव हम बनाते रहते हैं, जो गुजरात का है, जो एम्ब्रॉयडरी वर्क जैसे बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क में हमने बैग बनाया, तोरण बनाया है, उसमें काफ़ी सारे वेराइटी भी बना रहता है। फिर अम्ब्रेला बनाइए डेकोरेशन के हिसाब से यूज़ बनाने, बटवे वगैरह है, और वेराइटी काफ़ी सारी बनाते रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहते हैं और कुछ इनोवेटिव बनाते रहते हैं। ऑक्सोलेस ऑर्नामेंट्स, उसमें भी काफ़ी सारे डिजाइन आते हैं, ईयर रिंग्स, लड़के हर जगह बैंगल्स वगैरह भी आते हैं, काफ़ी सारे आइटम बना देते हैं, वो सब हम घर पे बनाते हैं और कस्टमर के रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से भी बना देते हैं। फिर वो होम डेकोरेशन के आइटम जैसे मेटल में सोफ़ा सेट और कैबिनेट्स, वो सब भी बना देते हैं, दरवाजे वगैरह भी, वो भी खुद कस्टमर के रिक्वायरमेंट जैसी रहती है, वो सीलिंग वगैरह भी तो भी बना देते हैं। और पूरा हैंडीक्राफ्ट का है, मीनाकारी वर्क, ऑक्सोलेस वर्क, जो मीना जो नेचुरल कलर बोलते हैं, जो वॉशेबल मटेरियल आएगा, वो लाइफ टाइम कुछ होता नहीं है और डेकोरेटिव लगता है। पहले के ज़माने में क्या मीनाकारी वर्क मतलब राजा रजवाड़े लोग घर पे हवेली में बना देते हैं, उनके जो दरवाजा लुक देख लो, दरवाज़ा पूरा मंदिर देख लो, मंदिर का दरवाज़ा देख लो, वो सब बनाते थे। अब क्या वो होम डेकोर के नॉर्मल पब्लिक को भी यूज़ हो सके, इस हिसाब से हम बनाते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट तो आप देख ली होगी, वो सभी सारी प्रोडक्ट्स जो रेगुलर पब्लिक भी यूज़ कर सके, इसकी रेंज भी कम हो सके और नॉर्मल पब्लिक के यूज़ में आ सके, वैसे सब आइटम है। और नॉट इवन के भी छोटे बच्चों के लिए या बड़े लोगों के लिए, हर एज के लिए यूज़ ऐसी सब आइटम रखते हैं।